गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, माई सेल्फ प्रीति मित्रा एंड दिस इज योर जीके क्लास. सो यू ऑल टेक आउट योर जीके बुक, पेंसिल एंड इरेजर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट पेज नंबर 39. Which page number? Page number 39. Now students, what is the day today? Today is Tuesday. And what is the date today? Today is 24th of November 2020. Okay, and what is the name of the chapter? Animals in Films. Animals in Films. उन animals, वो animals जो films में होते हैं, films में काम करते हैं, उन animals के बारे में आज हम इस chapter में read करेंगे. Okay students, match the following animals with the films they start इन. ओके, हमें एनिमल्स को मैच करना है उनके फिल्म के नेम्स. ओके, जैसे वो फिल्म में काम करते हैं, वहाँ उनका क्या नाम था, उससे हमें मैच करना है. लुक एट दिस पिक्चर. हुज पिक्चर इज दिस? दिस इज अ लिटिल माउस पिक्चर. एंड उसका इस रेट का नाम, दिस रेट नेम इज इन अ फिल्म स्टुअर्ट लिटिल की फिल्म देखी है ना आप बच्चों ने? यस, हॉलीवुड मूवी. दिस इज हॉलीवुड मूवी. इन दिस मूवी द स्मॉल लिटिल माउस नेम इज स्टुअर्ट लिटिल. ओके, सो मैच वन विथ ई. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर टू. लुक एट दिस डॉग. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ डॉग एंड इन अ फिल्म डॉग नेम इज, मतलब जिस फिल्म में उसने काम किया था वो फिल्म क्या थी? मार्ले एंड मी. विच फिल्म? मार्ले एंड मी. ओके, so match with this. Now look at this chimpanzee. Okay, look at this chimpanzee. And कौन सी पिक्चर में इन्होंने काम किया था? इन्होंने काम किया था डनस्टन चेक्स इन. Which picture name? डनस्टन चेक इन. Match third number with A. Okay students, now fourth number a dog. किसमे काम किया था इन्होंने? मार मेड्यूक. Which picture? मार मेड्यूक. Okay, now match with B. Number fourth match with B. Now next also a puppy and match with 101 Dalmatian. Which 101 Dalmatian? Okay students, so these animals match with her film's name. Okay, like this Stuart Little, first match with Stuart Little. Second puppy match with Marley and Me, and third with Dunstan Jackson, and fourth with Marmaduke, and fifth with 101 Dalmatian. Okay, now you all know whose animal
वर्क इन विच मूवी, कौन सी मूवी में कौन से एनिमल में कौन से एनिमल के ने कौन सी मूवी में काम किया है. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज होमवर्क इज यू ऑल मैच दिस एंड लर्न दिस चैप्टर. ओके, नाउ यू ऑल टेक आउट पेज नंबर 42. इंडियंस मॉन्यूमेंट, वॉट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इंडियंस मॉन्यूमेंट. ओके, फर्स्टली यू राइट डाउन द डेज, डे नेम ट्यूजडे एंड डेट 24th of November 2020. ओके, नाउ पुट योर फिंगर, वॉट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इंडियन मॉन्यूमेंट्स, यानी हमारे देश की जो धरोहर है, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स नहीं मॉन्यूमेंट्स, दैट मीन्स जो हमारी धरोहर है, हमारी प्रकृति, हमारे राजा महाराजाओं की देन है, हमारी एक इंडिया की संपत्ति जो हमारे इंडिया के कल्चर को बिलोंग करती है. किसने क्या बनाया, किस उस समय कैसा कल्चर था, कैसी चीज़ें थी, वो आज भी आपको देखने के लिए मिलती हैं. दिस इज इंडियन मॉन्यूमेंट्स. ओके, नाउ पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन. नोई वॉन्ट्स टू विजिट सम इंडियन मॉन्यूमेंट्स, राइट द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स गिवन बिलो टू टेल हिम अबाउट द प्लेसेस ही कैन विजिट. चूज योर आंसर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. नोई जो है वो चाहता है विजिट करना सम इंडियन मॉन्यूमेंट्स के बारे में. राइट द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स गिवन बिलो टू टेल हिम अबाउट द प्लेसेस ही कैन विजिट, मतलब जो ये मॉन्यूमेंट्स है हमें इनके नाम सही जगह लिखने हैं. कहाँ से देखकर? हेल्प बॉक्स में से देखकर. नाउ फर्स्ट मॉन्यूमेंट, विच इज द फर्स्ट मॉन्यूमेंट? एनीबडी कैन टेल मी? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सीन दैट मॉन्यूमेंट. दिस इज दिस मॉन्यूमेंट सिचुएटेड. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर इज, दिस इज द पिक्चर ऑफ ताजमहल. इट इज द मॉन्यूमेंट ऑफ वाइट मार्बल विच इज बिल्ट इन आगरा. ओके, इट इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मुगल्स आर्किटेक्चर. इट इज लिस्टेड एज वन ऑफ द न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज ताजमहल. ओके स्टूडेंट्स, विच पिक्चर इज दिस? दिस इज ताज महल. ओके, नाउ सेकेंड, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द पिक्चर ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया. स्टूडेंट्स, डू यू नो गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द छत्रपति शिवाजी मार्ग इन साउथ मुंबई एंड इट इज ओवरलुक्स द अरेबियन सी. ओके, क्या बताया मैम ने? दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया एंड गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ द छत्रपति शिवाजी मार्ग इन साउथ मुंबई एंड इट ओवरलुक्स द अरेबियन सी. ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन हियर गेटवे ऑफ इंडिया. ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर, विच पिक्चर इज दिस? दिस इज द पिक्चर ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल. विच पिक्चर इज दिस? विक्टोरिया मेमोरियल. इट इज द लार्ज मार्बल बिल्डिंग इन कोलकाता. इट इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया. ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन हियर विक्टोरिया मेमोरियल. मेमोरियल, एम ई एम ओ आर आई ए एल. ओके, नाउ नेक्स्ट, लुक एट दिस. दिस इज कुतुब मीनार. विच पिक्चर इज दिस? दिस इज कुतुब मीनार. डू यू नो स्टूडेंट्स, कुतुब मीनार हैज़ अ सोरिंग हाइट
दिस इज़ कुतुब मीनार एंड स्टूडेंट्स, कुतुब मीनार हैज़ अ सोरिंग हाइट ऑफ ओवर 73 मीटर और 240 फीट। जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 73 मीटर, या हम इसको 240 फीट भी बोल सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन हियर कुतुब मीनार। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ हवा महल। लुक एट दिस, देयर इज सो मैनी विंडो, सो मैनी विंडोज, देयर इज सो मैनी विंडोज। इसमें, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि बहुत सारी विंडोज हैं, और इसमें जहाँ भी आप जाएंगे इसमें आपको हर जगह आपको हवा महसूस होगी, इसीलिए इसका नाम क्या है, हवा महल है। ओके, द प्लेस ऑफ विंड इज अ पैलेस इन जयपुर। इट इज बिल्ट फ्रॉम रेड एंड पिंक सैंड स्टोन्स। किससे बनाई है, रेड एंड पिंक सैंड स्टोन से बनाए। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन हियर हवा महल। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज सांची स्तूपा। क्या है ये, सांची स्तूपा। द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट इन इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन हेयर सांची। ओके, नाउ लुक एट दिस अगेन। दिस इज ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया मेमोरियल, कुतुब मीनार, हवा महल एंड सांची स्तूपा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टिडबिट्स, अंडरलाइन और ऑल दीज लाइन। स्टूडेंट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूंस टॉम इन दिल्ली बिगेन इन 1569। जो हुमायूंस टॉम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था दिल्ली में, वो कब हुआ था, 1569 में। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ गार्डन टॉम। ये एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है गार्डन टॉम का, ठीक है, विच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ मुगल एरा आर्किटेक्चर। ये मुगलों के समय बनाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, टुडेज होमवर्क इज यू कंप्लीट पेज नंबर 39 एंड 42 एंड लर्न इट वेरी केयरफुली। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।